हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टर। जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं या पॉइंटिंग करते हैं या जो भी आप रिपेयरिंग वर्क करते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली सीमेंट मोर्टर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। ये बहुत सारे इंजीनियर को मालूम नहीं है। तो कैसे निकालते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्या तरीका होता है निकालने का, ये आपने देखा हो। मोस्टली 70.6 mm का क्यूब रहता है, आपको उसे आप इस रेशियो में फिल करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे 28 डेज में, तो आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। अकॉर्डिंग टू कोड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 1:3 का सीमेंट रेशियो यूज कर रहे हैं, 1 यानी सीमेंट 3 यानी सैंड, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 3 पार्ट ऑफ सैंड, तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम बात करें 1:4 रेशियो की, तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1:5 रेशियो की बात करें हम, तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे कौन सा रेशियो कहाँ पे यूज किया जाता है आपको मालूम है ना। 1:3 आपका कंक्रीट प्लास्टर के लिए किया जाता है। 1:4 आपका आपने देखा होगा कहाँ किया जाता है, कि ये आपका ब्रिकवर्क प्लास्टर मोस्टली 1:5, 1:6, 1:8, ये आप मोस्टली 1:6 से 1:8 आप ब्रिकवर्क में यूज करते हैं। ये तीनों ही रेशियो आप प्लास्टर में यूज करते हैं आप ऊपर के, ठीक है। तो कई जगह पॉइंटिंग में हम 1:3 या 1:2 या 1:1 यूज करते हैं, जैसी पॉइंटिंग हो आपकी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दी है मोटर की। अगर यहाँ से आप कोई पूछता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछता है, या आपको डायरेक्ट कुछ भी कैलकुलेट करना है या न्यूमेरिकल बनाना है, तो आप निकाल सकते हैं 1:6 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, क्योंकि 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर 1:8 मोस्टली आपसे 1:6 का पूछेगा, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें फील्ड वर्क एक्सपर्ट। अपकमिंग 500 to 600 वीडियोज आने वाले हैं हमारे दोस्तों देखने के लिए। धन्यवाद।